हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। ठीक है, जैसा कि हम पहले आपको BHPSCL का जो बैच शुरू किए थे कंप्यूटर कंप्यूटर सीरीज के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए फिर से मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आया हूँ, जिसमें PYQ हम करेंगे, BHPSCL का PYQ। देखो, PYQ करने का बेनिफिट क्या होता है, तो PYQ करने का बेनिफिट ये होता है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कोर प्लस आपको स्कोर आपके लिए एकदम लगातार मेहनत कर रहा है ताकि आपको सफलता मिल सके। ओके, अभिराज मिश्रा मौर्या, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और स्कोर प्लस से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे जुड़ सकते हो, यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कहीं पे भी आप स्कोर प्लस से जुड़ के आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम PYQ क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है चेंजिंग टेलीविजन चैनल्स बाई इंफ्रा रेड रिमोट कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कनेक्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमोट से, जो रिमोट होता है वो कौन सा होता है, इंफ्रा रेड होता है, इंफ्रा रेड रिमोट होता है। ओके, जो इंफ्रारेड रिमोट होता है। ओके, तो इंफ्रारेड रिमोट से हम चैनल जो चेंज करते हैं, ठीक है, जो चैनल चेंज करते हैं, तो वो इसमें से कौन सा कनेक्शन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो पहले भी मैंने बहुत सारे मतलब कनेक्शन के बारे में बताया प्रीवियस वीडियो में, आपने अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो ज़रूर आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ओके, अब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम क्यों बोलेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम उस कनेक्शन को बोलते हैं जहां पे मतलब एक मतलब क्या हुआ, आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो एक इधर से हम रिमोट यूज कर रहे और एक इधर पे आपका टीवी है, ठीक है, टीवी है, ये क्या है आपका रिमोट। तो आपका जो कनेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में ही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इसके आगे आप अगर आप कनेक्शन इसके आगे भी करोगे तो वहाँ पे आपका कोई कनेक्शन इससे इसका मतलब आगे वाला का मतलब नहीं रहेगा, यानी एक एंड से दूसरे एंड कनेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। वर्चुअल कनेक्शन क्या होता है, वर्चुअल कनेक्शन क्या होता है, तो वर्चुअल कनेक्शन बेसिकली आपका क्या होता है, डाटा ट्रांसमिट करने का एक जरिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, वायर कनेक्शन, जिसमें वायर का कनेक्शन किया हुआ रहता है, जैसे दो सिस्टम के बीच में वायर से कनेक्शन किया हुआ है, उसमें हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टी ड्रॉप कनेक्शन अगला ऑप्शन क्या है, मल्टी ड्रॉप कनेक्शन, मल्टी ड्रॉप कनेक्शन क्या होता है, तो मल्टी ड्रॉप कनेक्शन क्या होगा, एक सिंगल वायर से, एक सिंगल वायर से बहुत सारे सिस्टम क्या है कनेक्टेड रहता है, सिंगल वायर से, ये एक तरह का वायरिंग कनेक्शन वायरिंग होता है, ठीक है, एक ही सिंगल वायर से बहुत सारे सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है, वो जो वायर होता है जस्ट लाइक बस बार काम करता है, उसको बोलेंगे मल्टी ड्रॉप कनेक्शन। अगला है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, ये एक उस टाइप का कनेक्शन होता है जिसमें सिंगल लिंक के ऊपर बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं, सिंगल लिंक के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलेंगे, क्लियर है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विथ। एमएस एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो उससे पहले कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं? सिंबल्स, ये दिया हुआ प्लस, इक्वल टू, एंड, एट द रेट, ठीक है? तो इनमें से कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं? चलो बताओ आप लोग। तो देखो, एमएस एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखें, या एडिशन का लिखे, सब्ट्रैक्शन का लिखे, मल्टीप्लिकेशन का लिखे, परसेंटेज का लिखे, कुछ भी लिखे, ठीक है? तो कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम उसमें इक्वल टू लगाते हैं। जैसे इफ का ही ले लो, इफ एक फंक्शन है, इफ फंक्शन के बारे में पहले भी मैंने डिस्कस करा है। तो इफ जो फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन है, तो इसको हम अगर शुरू करें तो इफ इक्वल टू ऐसे करके हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये जो होता है, किसी भी फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल का सिंबल यूज करेंगे। अगर ऐड करना हो तो प्लस का सिंबल, एंड यानी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना, या दो नंबर, दो वेरिएबल आपको डालना है तो एंड का सिंबल हम यूज करेंगे। और एट द रेट यानी किसी को, किसी का लिंक जनरेट करना है, वहाँ पे एट द रेट का सिंबल हम यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? जहाँ पे भी आप लोग को कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हेल्प्स इन टॉकिंग पिक्चर्स एंड वीडियो चैट। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस तस्वीरें लेने और वीडियो चैट करने में मदद करता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? ट्रैक वॉल, वेव कैमरा, माउस, जॉयस्टिक। तो इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा सा समझ लो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करता है, कंप्यूटर को देने का काम करता है, इन करने का काम करता है, उसको इनपुट कहेंगे, ठीक है? तो देखो, कोई भी कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है? तो कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, और ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है, और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्या? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस करने का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो डाटा होता है, ये होता है रॉ फैक्ट, रॉ फैक्ट यानी कच्चे तथ्य, ठीक है? यानी अब इसी को हम इनपुट देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, यानी रॉ फैक्ट को ही कंप्यूटर में हम इनपुट के फॉर्म में हम देते हैं। क्लियर? ओके ओके, सभी का आंसर बी आ रहा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो इसी का हम इनपुट, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, सारे जो इसमें ट्रैक बॉल, वेव कैमरा, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइस है, सारे क्या करता है? कंप्यूटर को रॉ फैक्ट देने का काम करता है, कच्चे तथ्य देने का काम करता है, और उसको कंप्यूटर क्या करता है? पक्के तथ्य में कन्वर्ट करता है, यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये क्या होता है? पक्के तथ्य, पक्के तथ्य, हिंदी में बोले तो पक्के तथ्य। सीपीयू इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी पक्के तथ्य में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ट्रैक वॉल क्या करता है? ट्रैक वॉल कहाँ पे यूज करते हैं? ट्रैक वॉल का काम क्या होता है? तो ट्रैक वॉल का काम होता है कंप्यूटर में कर्सर को इधर से उधर खिसकाने का काम होता है, जस्ट लाइक माउस, ठीक है? जस्ट लाइक माउस। जॉयस्टिक क्या होता है? तो वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए जो लोग यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
जॉयस्टिक, क्लियर। ये सारे आपका इनपुट डिवाइस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विथ एक्सप्लोरिंग अप्रोप्रिएट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर रिलेटेड टू ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड डिजिटल मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनवेश से संबंधित है? ऑनलाइन से संबंधित उचित और ईमानदार व्यवहार, पर्यावरण और डिजिटल मीडिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से जो कौन सा है, जिसमें कौन सा ऑप्शन है जो क्या है आपके ऑनेस्ट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, डिजिटल मीडिया में। देखो ऑनलाइन का जो दुनिया है वो ऑनलाइन की दुनिया ऐसा दुनिया है जिसमें लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन की दुनिया में जैसे किसी को ठग सकता है, किसी के सारे प्रॉपर्टी को अपना बना सकता है, तो ठीक है। तो ये सभी को इन सभी में ये कह रहा है कि ऑनेस्ट बिहेवियर इनमें से किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये साइबर इथिक का है एग्जाम्पल है, साइबर इथिक्स, ठीक है। साइबर इथिक्स का ये बिहेवियर है। अब बताओ इथिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब इथिक्स का मतलब ये हुआ, कि उसका एक रूल होता है, उसका एक मतलब सोच होना चाहिए, ऑनेस्ट सोच होना चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आपको पता है, जो साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी वगैरह होता है, जो प्रोटेक्शन होता है उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। साइबर लॉ, अब क्वेश्चन ये है इंडिया में साइबर लॉ कब आया, देखो बाकी देशों की तरह इंडिया भी जैसे क्या है कंप्यूटर के दुनिया में आगे बढ़ रहा था। तो सन 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि जब उस समय जो क्या था हैकिंग वगैरह, जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह जो था वो चरम सीमा पे था, यानी किसी के बैंक अकाउंट से उसका पैसा हैक कर लेना ये सब वगैरह था। तो उस समय सरकार ने सोचा इसके प्रति भी कुछ कानून होने चाहिए, तो सन 2000 में आया। कब आया? साइबर लॉ इंडिया में सन 2000 में आया, ठीक है। ओके, साइबर सेफ्टी क्या है? तो जो फ्रॉड वगैरह होते हैं ऑनलाइन उससे सेफ्टी रखना, माने बचाव करना, उसी को साइबर सेफ्टी बोलेंगे, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ एक्सेल इफ फंक्शन इज। तो सबसे पहले ये बताओ इफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ओके, साइबर इथिक्स के बारे में मैं बता रहा हूं। पहले ये बताओ इफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है? तो पहले भी मैंने बात करा था इसके बारे में। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। क्या है? लॉजिकल फंक्शन। इफ क्या है? एक लॉजिकल फंक्शन है। ओके, लॉजिकल फंक्शन। अब ये लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? जैसे एक होता है मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल जिसमें कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक होता है डिसीजन मेकिंग, तो वो लॉजिक के अंदर आता है, यानी जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है या कंपेयर करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन, क्लियर है। उसको हम बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन कितने होते हैं? तो लॉजिकल फंक्शन 3 होते हैं। लॉजिकल फंक्शन 3 होते हैं। कौन कौन सा? इफ, लॉजिकल फंक्शन 3 होते हैं, इफ एंड और, ये 3 आपका लॉजिकल फंक्शन है,
अब जो इफ होता है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, क्या होता है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन के लिए होता है, एंड और ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन इफ का यूज करोगे तो कौन सा इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, सेंटेक्स है, उसका यूज करोगे, किस तरह से उसमें फॉर्मूला आप इनपुट करोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इफ, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन, कंडीशन कहने का मतलब अगर हम कोई एक एक्सेल सीट बना रहे हैं, एक्सेल सीट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट का हम बना रहे हैं एक्सेल सीट, ओके। यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम नाम रख दिए, इसमें सेल ए में हम नाम रख दिए, बी में हम क्या करेंगे, इसमें हम उसका जैसे जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने टेस्ट दिया, तो टेस्ट में सपोज टेस्ट जो है, वन मिनट, वन मिनट, काम नहीं कर रहा, चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब हम इफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इफ फंक्शन में जब आपको, हम जैसे यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे हम एक्सेल सीट बना रहे हैं, तो एक्सेल सीट में अगर एक्सेल सीट में हम पास और फेल का बना रहे हैं, तो 30 मार्क्स जिसका आया, 30 मार्क्स जिसका आया उसको हम क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे, 30 मार्क्स या 30 मार्क्स के ऊपर आया उसको हम बोलेंगे पास, अदरवाइज वो फेल है। तो यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, इफ कंडीशन ये होगा, जो वैल्यू होगा वेरिएबल ए इज ग्रेटर, ये क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30, देन देन या इफ, यहाँ पे है ना वैल्यू, इफ पास, ऐसे हम पास लिखेंगे, अदरवाइज इफ फेल, ओके। तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अगला है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डिवाइसेज एंड अदर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है, इन सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर के अन्य भौतिक भाग्यों को कहा जा सकता है। तो भौतिक भाग्यों यानी फिजिकल जो पार्ट है उसको क्या कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमनवेयर, क्या होगा सही आंसर। चलो आप लोग कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा, हार्डवेयर, इसको क्या बोलेंगे, जो जिससे हम इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर के अन्य भाग जो होता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो सभी को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे, क्लियर। अब इसमें सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर बताओ, सॉफ्टवेयर हम किसको बोलेंगे। तो ऐसे अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो वैसा जो आपका डिवाइस है जिसको आप टच कर सकते हो उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे, अदरवाइज
जैसे प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम वगैरह, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन एमएस एक्सेल व्हिच टाइप ऑफ द सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू न्यू लोकेशन वेयर द फॉर्मूला इज पेस्टेड इनटू डिफरेंट सेल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, एमएस एक्सेल में जब सूत्र को विभिन्न कक्षाओं में चिपकाया जाता है तो सूत्र में किस प्रकार का सेल संदर्भित स्वचालित रूप से नए स्थानों पर समायोजित हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एसमेट्रिकल रेफरेंस, तीसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस, चौथा कंपोजिट रेफरेंस। क्या होगा? हाँ जी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। हाँ तो इसका सही आंसर होगा रिलेटिव रेफरेंस, ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव रेफरेंस। यानी किसी एक से हम कॉपी करेंगे तो उसी से रिलेटेड सारे में आपका कॉपी हो जाएगा, उसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, ए समेट्रिकल क्या होता है? तो सबसे पहले इसके लिए आपको समेट्रिकल समझना पड़ेगा। तो समेट्रिकल रेफरेंस में जिधर से आप कॉपी कर रहे हो उसी के आइडेंटिकल दूसरे साइड हो जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, समेट्रिकल बोलेंगे। ए समेट्रिकल में तो दोनों तरफ सेम नहीं होगा, उसको ए समेट्रिकल बोलेंगे। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग लाइसेंस कम विदाउट एन एक्सपायरी डेट एंड अलाउ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड इनडिफिनेटली। निम्न में से कौन सा लाइसेंस समाप्ति तिथि के बिना आता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है? यानी आप कोई सिस्टम खरीदते हो तो इनमें से कौन सा जो लाइसेंस होता है जो बिना कोई समाप्ति तिथि के आपको मिल जाता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक आप यूज कर सकते हो, उसका अनुमति देता है। पहला परपिचुअल लाइसेंस, दूसरा साइट लाइसेंस, तीसरा कॉन्करेंट यूज लाइसेंस, चौथा नन परपिचुअल लाइसेंस। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए परपिचुअल लाइसेंस होगा। ठीक है, ये एक उस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं, आप सिस्टम इनबिल्ट रहता है, सिस्टम जब खरीदोगे तो उसी समय आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा, उसको आप अनिश्चित काल तक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, साइट लाइसेंस क्या होता है? तो साइट लाइसेंस क्या होता है? तो साइट लाइसेंस एक तरह का एग्रीमेंट होता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर साइट वगैरह, जो प्रोग्राम या कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो तो उसको चलाने के लिए, तो उसके चलाने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है उसको हम साइट लाइसेंस बोलेंगे। ओके, हाँ, तो एक चीज और है, साइट लाइसेंस जो होता है वो एक जगह के लिए, पर्टिकुलर एक कैंपस के लिए होता है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में आप कोई क्या लिए, मतलब कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल किए हो तो उसको चलाने के लिए एक ही जगह आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, कोई एक कैंपस वगैरह में। क्लियर, कॉन्करेंट यूज लाइसेंस क्या होता है?
इसमें क्या होता है, इसमें हमने बोला एक ही जगह के लिए, साइट के लिए, हम जैसे स्कूल कैंपस कहीं एक जगह पे वहाँ पे जितने सिस्टम है उससे हम उसको यूज कर सकते, लेकिन कॉन्करेंट में ऐसा नहीं है। आप परचेज किए हो, लाइसेंस लिए हो, तो आप उससे नंबर ऑफ सिस्टम को ऐड कर सकते हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टम होगा उसका प्राइस वगैरह जैसे भी है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे प्राइस देता है, किस तरह का लाइसेंस देता है, तो कॉन्करेंट यूज लाइसेंस उसको बोलेंगे। नॉन परपिचुअल लाइसेंस क्या होता है, तो इसका एक अपना फी होता है, ठीक है, ये इनबिल्ट नहीं होता है। ओके चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैपिंग एनी पर्सन विदाउट विथ प्राइज विनिंग मेल कैन बी कंसिडर्ड एज, किसी भी व्यक्ति को इनामी मेल से फंसाना माना जा सकता है, फंसाना माना जा सकता है, जैसे ट्रैप कर रहा है किसी को, हमने मेल भेजा और उसमें हमने लिखा कि आपको, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में इतना रुपये जीत गए हो, ठीक है, उस तरह से जो बेईमानी होती है, फ्रॉड होती है, वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी मलेशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफाई आइडेंटिटी थेफ्ट, क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फिशिंग। फिशिंग क्या है, इसका मतलब होता है फ्रॉडल अटेम्प्ट। मतलब कुछ भी फ्रॉडल जो ऑनलाइन आप फ्रॉड कर रहे हो उसको बोलेंगे पीसिंग। ओके, कोई भी ऑनलाइन जो फ्रॉड करता है उसको हम पीसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैपिंग, किसी को ऑनलाइन ट्रैप करना, ये भी एक पीसिंग के अंतर्गत ही आता है। प्रोग्रामिंग आप लोग समझ रहे हो, एल्गोरिथम को लिखना प्रोग्रामिंग होता है। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को हार्म करे, ठीक है, उसको हम मलेशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसे जैसे हैकर वगैरह यूज करते हैं किसी के सिस्टम में घुसने के लिए, ठीक है। ओके, तो मलेशियस सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल, ट्रोजन हॉर्स वगैरह जो हम बताए थे, मलेशियस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है, जैसे आपके नाम पे, आपकी जानकारी के बिना आपके नाम पे कोई सिम खरीद के यूज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। आपको पता कैसे चला, वो सिक्योरिटी वाला मतलब आईटी सेल वाले ने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि आप इस तरह के फ्रॉडल अटेम्प्ट कर रहे हो, तब जाके आपको पता चला अरे मेरे नाम से तो कोई सिम इशू है, कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी चुरा के कोई चोरी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डाटा इन एमएस एक्सेल इज, डिफॉल्ट अलाइनमेंट, डाटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, किसमें, एमएस एक्सेल में पूछ रहा है। हाँ जी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड एंड मल्टी एंड नंबर इज राइट अलाइंड। जैसे आप कीबोर्ड खोलते हो, कीबोर्ड देखते हो, या अपने मोबाइल में कीबोर्ड जो आता है, तो कीबोर्ड में क्या देखते हो कि लेफ्ट साइड में आपका जो क्या होता है, टेक्स्ट रहता है अलाइंड, टेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, राइट साइड में क्या रहता है, नंबर रहता है। तो एमएस एक्सेल में भी वही है, ठीक है,
लेफ्ट साइड में आपका टेक्स्ट रहता है और राइट साइड में आपका नंबर अलाइंड रहता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ वैन कनेक्टेड द इंड सिस्टम विच यूजुअली कंप्राइज ए रोटर डैट कनेक्ट टू अनदर लैन और वैन। ठीक है, किस प्रकार के वैन अंतिम सिस्टम को जोड़ता है जिसमें आमतौर पर एक रोटर शामिल होता है जो दूसरे लैन और वैन से जुड़ता है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी करवा चुके हैं, क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है ये कि एक वैन है जो अंतिम सिस्टम को जोड़ता है, जितने भी सिस्टम है अंतिम सिस्टम को जोड़ता है, ठीक है, जिसमें आमतौर पर एक रोटर शामिल होता है। आम एक रोटर रहता है लगा हुआ है जो दूसरे लैन, उससे आप क्या कर सकते हो, दूसरा लैन और वैन को कनेक्ट कर सकते हो। जो अंतिम सिस्टम है, जैसे यहाँ पे कोई अंतिम सिस्टम लगा हुआ है, अब आपको जरूरत पड़ी, जरूरत आन पड़ी कि इसके आगे भी और आप सिस्टम ऐड करो, तो इस तरह के जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, किसके द्वारा, तो किस वैन के द्वारा ये जुड़ता है, तो ये स्विच्ड वैन के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, स्विच्ड वैन क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा फिर से। वैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक सिस्टम ऐसे लगा हुआ है, सिस्टम इधर लगा हुआ है, एक सिस्टम इधर लगा हुआ है, सिस्टम वन, सिस्टम टू, सिस्टम थ्री, सिस्टम फोर, और ये सारे सिस्टम एक इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको जरूरत आ पड़ी कि जो ये सब इंड सिस्टम है इसमें एक और हमको इसके आगे आपको कनेक्शन करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विच्ड वैन सिस्टम। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको स्विच कर सकते हो, आगे और बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को स्विच्ड वैन बोलते हैं। मल्टीपल स्लॉट वैन क्या बोलते हैं, तो जहाँ पे आपका रोटर लगा होता है, आप यहाँ पे जैसे इसके आगे लगाओगे तो यहाँ पे एक आपको रोटर लगाना पड़ेगा और इसके आगे आप सिस्टम को ऐड कर सकते हो। मल्टीपल स्लॉट वैन जो होता है, तो जो रोटर रहता है उसमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं, बहुत सारे स्लॉट होते हैं। क्लियर? उसमें बहुत सारे स्लॉट रहते हैं, उसमें जितने स्लॉट रहेंगे उतने सिस्टम को आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होता है, तो आपको दो सिस्टम है, दो सिस्टम को इंड से इंड जोड़ना, इसको हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट वैन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था, रिमोट से आप सिस्ट क्या कर रहे हो, रिमोट जो अल्ट्रा अल्ट्रा रेड होता है, इन्फ्रा रेड होता है, सॉरी इन्फ्रा रेड रिमोट से आप टीवी का चैनल चेंज करते हो, वो क्या आ गया, पॉइंट टू पॉइंट वैन के अंतर्गत आ गया। वर्चुअल वैन, तो वर्चुअल वैन में बेसिकली क्या होता है, हाँ जी, वर्चुअल वैन क्या होता है, तो वर्चुअल वैन में आप तार के द्वारा जितने सिस्टम ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज्ड बाई ए रोटर टू डिसाइड द वेस्ट एवेलेट राउट द पॉकेट कैन टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली एंड एक्यूरेट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैकेट अपने गंतव्य तक जल्दी और सटीक रूप से पहुंचने के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग तय करने के लिए राउटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राउटर है, ये राउटर के द्वारा आपको क्या करना है, अवेलेबल राउट टू पैकेट, पैकेट मन या पैकेट कहने का मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन से, जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो ना, वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। कैसे पहुंचेगा, किसके द्वारा पहुंचेगा, वही पूछ रहा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है, क्या है? इंस्क्रिप्शन टेबल, दूसरा हैश टेबल, तीसरा लॉगरिदम टेबल, चौथा राउटिंग टेबल। हाँ जी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, तो जो राउटर होता है वो क्या करता है, पहले इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसके फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ इसको भेजना है, सिस्टम को जहाँ इंफॉर्मेशन को भेजना है वहाँ तक ये जल्दी से जल्दी पहुँचाने का काम करता है। क्लियर? इंस्क्रिप्शन टेबल क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? तो ये प्लेन टेक्स्ट को अनप्लेन में यानी चिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, पहले भी आप पढ़े हो। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है यानी आप प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजने का काम जो होता है उसको इंस्क्रिप्शन टेबल बोलेंगे। हैशिंग टेबल क्या होता है? हैश टेबल, तो ये डाटा स्टोर करने से संबंधित है, डाटा सिक्योरिटी से संबंधित है, उसको हैशिंग टेबल बोलेंगे। लेगोरिथम टेबल क्या होता है? तो इससे इसमें क्या होता है कि लेगोरिदम एल्गोरिदम जो लिखता है उसके उससे संबंधित है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, जब डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच फील्ड इन एमएस आउटलुक इंक्लूड दोज रिसेप्शनिस्ट एड्रेस यू वॉन्ट टू कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल वट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है, एमएस आउटलुक में किस फील्ड में उन प्राप्तकर्ता पते शामिल हैं जिसे जिन्हें आप ईमेल के विषय में सूचित रखना चाहते हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसे मेल भेजते हो, जैसे आउटलुक भी क्या है, एक मेल है, ठीक है? तो ईमेल आप भेजते हो, तो ईमेल में बहुत सारे चीज़ आते हैं। जब ईमेल सेंड पे जाते हो तो उसमें एक फ्रॉम का ऑप्शन आता है, फ्रॉम का आता है, फिर क्या आता है, टू का ऑप्शन आता है, टू के अंतर्गत आपको क्या आता है, सीसी का आता है और बीसीसी का आता है, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन आता है। तो इसमें ये कह रहा है कि वैसा पर्सन जिसको आप इन्फॉर्म तो करना चाह रहे हो लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स का उम्मीद आप नहीं रख रहे हो। तो उसको इन्फॉर्म करना भी है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को उम्मीद नहीं रखना है, तो उसको आप उसके मेल को आप कहाँ पे रखोगे? तो उसको हम ऑप्शन नंबर ए सीसी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीसी में, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है? फ्रॉम, फ्रॉम यानी जिससे मेल जा रहा है, तो जब आप फ्रॉम पे डालोगे तो उस पे आप अपना मेल आईडी डालोगे, जिस ईमेल से जा रहा है मेल वह उसका ईमेल रहता है, ठीक है? आउटलुक में भी वही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है? टू, टू यानी टू कहाँ पे, यानी जिसको आपको भेजना है वो टू में रहेगा, ठीक है? बीसीसी, बीसीसी क्या हो गया, बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये था आपका आउटलुक के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला है, ये हैकर रिप्लेस द ओरिजिनल साइट यूआरएल विथ अनदर साइट यूआरएल व्हिच कैन बी कॉल्ड एज। कहने का मतलब ये है, एक हैकर है जो क्या कर रहा है कि जो साइट, कोई एक साइट, पर्टिकुलर एक साइट है उसके यूआरएल को वो चेंज कर दे रहा है किसी दूसरे यूआरएल से,
वो क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, तो क्या कहलाएंगे उसको? हम पीसिंग बोलेंगे। ये भी एक फ्रॉडल अटेम्प्ट के केस में आएगा। पीसिंग मतलब फ्रॉडल अटेम्प्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉडल अटेम्प्ट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ये डिफेसमेंट क्या है? डिफेसमेंट क्या होगा? तो ये भी एक साइबर अटैक है। इसका मतलब होता है साइबर अटैक, साइबर अटैक विथ विजुअल रेफरेंस, विजुअल रेफरेंस, विजुअल रेफरेंस। ठीक है, मतलब कोई हैकर क्या कर रहा है? साइबर अटैक कर रहा है, यानी आपके जो सिस्टम है उसको हार्म कर रहा है, वो आपको दिख भी रहा है, उसी को हम डिफेसमेंट बोलेंगे। क्लियर? इंट्रापरमेंट क्या होगा? इंट्रापरमेंट, इसको बोलेंगे लीगल डिफेंस। ये होता है लीगल डिफेंस। लीगल डिफेंस से इसका मतलब है। डीएनएस हाईजैक, डीएनएस हाईजैक क्या होता है? तो ये भी एक तरह के साइबर अटैक है, साइबर अटैक। ठीक है, तो वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी आपका क्वेश्चन होता है उसका 50% आपका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। वर्ड का मतलब अगर पता है, जैसे डिफेसमेंट क्या हो गया, पीसिंग क्या हो गया, इंटरपेमेंट क्या हो गया, डीएनएस हाईजैक क्या हो गया, तो वर्ड का क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसका मतलब पता होना चाहिए, वर्ड का मतलब। तो जहां तक वर्ड का मतलब पता होगा आपको सॉल्यूशन आधा मिल जाएगा, 50%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम डॉस अटैक इज टू कॉन्गेंट कॉन्गेंट द नेटवर्क विथ फेक स्टफ, डॉस स्टैंड फॉर। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। सूचना सुरक्षा प्रणाली में डॉस हमले का उद्देश्य नेटवर्क को नकली सामग्री से घेरना है। तो जहाँ पे नेटवर्क को नकली सामग्री से घेरना है, वहाँ पे डॉस का मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब क्या होगा? डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेनियल ऑफ सर्विस। अब जहाँ देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, डॉस का हमले का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क को नकली सामग्री से घेरना, यानी नेटवर्क पे हमला, तो उसको हम डेनियल ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, अब जब सॉफ्टवेयर पे आपका हमला होगा, यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ होगा, तो उसको डेनियल ऑफ सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्लियर? अब अगला है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डाटा को ऑपरेट करने का काम करता है, उसको डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलेंगे। डिस्क ऑफ सिस्टम क्या हो गया? तो डिस्क, जो सिस्टम का डिस्क होता है उसी को। ठीक है, तो ये था आपका आज के 15 क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्कोर प्लस से जुड़िए, और स्कोर प्लस आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्कोर प्लस का जो क्या है, ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपको सारे कोर्सेज, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज है, वहाँ पे उपलब्ध हैं। वहाँ से आप
अपना तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।